जब हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने वहां पर पहले बार इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताया था, है ना, बताया था कि जो मेटेलिक सरफेसेज होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होते हैं, है ना। तो पहले हमें यह जानना होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, तो वही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और उसका डिफिनेशन मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। यह है एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स आर एट इक्वल पोटेंशियल। कोई भी सरफेस हो, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो बराबर होता है, तभी उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जा सकता है ना। जैसे कि हम बात करें, अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के आसपास स्फेरिकल शेप के इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक, तो अगर मैं यहां पर इस चार्ज को सेंटर मान करके कॉन्सेंट्रिक स्फेयर ड्रॉ करता हूं, है ना, ऐसे, तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है पॉइंट चार्ज के कारण से वो होता है के क्यू बाई आर। अगर मान लिया जाए कि ये जो स्फेयर है इसका रेडियस है आर वन, तो इस स्फेयर के हर पॉइंट जो है ना, इस स्फेयर के सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स हैं सब इस चार्ज से आर वन डिस्टेंस पर है, तो इन सब के पर पोटेंशियल कितना होगा, वो हो जाएगा वी वन इज इक्वल टू के क्यू बाई आर वन। हर पॉइंट पर इतना ही पोटेंशियल होगा, तो ये जो स्फेयर बना छोटा सा, मैं इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकता हूं, ठीक। उसी तरह से एक और जो है कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है, इसका रेडियस मान लेते हैं कि आर टू है। अब इस स्फेयर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स जो है वो इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इस स्फेयर के सरफेस पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के क्यू बाई आर टू, है ना। तो देख सकते हैं कि इस स्फेयर में जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट पर पोटेंशियल इतना ही आने वाला है, यानी ये वाला जो स्फेयर है वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, है ना। डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हो सकते हैं, डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेज पर पोटेंशियल डिफरेंट होगा, इस पर कुछ अलग होगा, इस पर कुछ अलग होगा, है ना, लेकिन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होना है, ठीक है। तो जैसे कि पॉइंट ए में यही बताया गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज अराउंड अ पॉइंट चार्ज, ध्यान रखना है यहां पॉइंट चार्ज हमने लिया था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज अराउंड अ पॉइंट चार्ज आर स्फेरिकल इन शेप। शेप की बात करें तो स्फेरिकल शेप का होता है। उसी तरह से अगर कोई लाइन चार्ज हो, यहां पर लाइन चार्ज के बारे में बताया गया, तो लाइन चार्ज के आसपास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है ना। जैसे ये अगर मान लेते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, तो यहां पर सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे, है ना, ऐसा। एक और सिलिंड्रिकल सरफेस ले लेते हैं, तो ये जो अंदर वाला सिलेंडर मैंने बनाया है, इस सिलेंडर का सरफेस पर हर पॉइंट जो है इस लाइन चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर पड़ेगा, और इसलिए इस सिलेंडर के सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल बराबर होगा। तो ये जो सिलेंडर है अंदर वाला वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। उसी तरह से एक दूसरा सिलेंडर जो बनाया बाहर से, है ना, उसके भी जितने भी पॉइंट्स होंगे इस बीच वाले लाइन चार्ज से बराबर डिस्टेंस पड़ेंगे, तो इस बड़े वाले सिलिंड्रिकल सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके पास भी पोटेंशियल जो होगा बराबर बराबर होगा। इसलिए बड़ा सिलेंडर भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जैसे यहां पर दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेज थे, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस था, ये अलग था, है ना। उसी तरह से यहां भी दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसी तरह से अगर कोई इनफाइनाइट लेयर ऑफ चार्ज है, तो उसके कारण से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होते हैं वो प्लेन शेप के होते हैं। अगर मान लिया जाए कि इनफाइनाइट लेयर ऑफ चार्ज जो है वो ये बोर्ड के प्लेन जैसा है, ठीक है, तो इसके पैरेलल अगर मैं एक प्लेन बनाऊं, तो ये जो प्लेन होगा इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, यानी ये जो प्लेन है इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। उसके आगे भी बिल्कुल इसके पैरेलल एक और प्लेन लेता हूं, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया,
है ना। तो अगर मान लें कि यहां पर जैसे मैं ये लाइन से दिखा देता हूं, ये इनफाइनाइट लेयर ऑफ चार्ज है, ये ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे भी जा रहा होगा, है ना, पीछे भी बाहर भी इन्फिनिटी तक जा रहा होगा और अंदर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब ये एक बड़ा सा प्लेन है, लेयर ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो इसके सामने अगर मैं ऐसा ही एक प्लेन बनाऊं, यहां पर ये भी एक प्लेन है, इधर साइड से चूंकि हम लोग देख रहे हैं तो लाइन जैसा दिख रहा है, तो ये जो है ये लेयर ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, है ना। जैसे इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है ना, ऐसे। तो जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे जाते हैं तो पोटेंशियल एक्चुअली में डिक्रीज होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो जैसे कहें कि यहां का पोटेंशियल अगर V1 है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इसलिए एक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसी तरह यहां का जो पोटेंशियल होगा V2, ये हो जाएगा लेस देन V1, है ना, इस लेयर पर। लेकिन ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर आएगा V2 के बराबर। उसी तरह से अगला लेयर, अगला जो प्लेन है, यहां पर मान लिया पोटेंशियल V3 है, यहां का पोटेंशियल V2 से भी कम आएगा। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जाता है ना। तो कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घट जाता है, उसके उल्टा जाएंगे तो बढ़ जाएगा, यानी उसके परपेंडिकुलर चलेंगे तो चेंज ही नहीं होगा। चेंज नहीं होने का मतलब कि पोटेंशियल सरफेस होगा। तो एक ही पोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर